भारत माता के कई वीर पुत्रों ने पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है। यही वीरों में से एक थे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। पंजाब के लाहौर में एक ब्राह्मण तमिल परिवार में जन्मे डॉक्टर चंद्रशेखर छोटे से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे। सिर्फ 14 साल के उम्र में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में पदार्थ विज्ञान को लेकर पढ़ाई शुरू की। 18 वर्ष के उम्र में 2 एकेडमिक पेपर द कॉम्पटन स्केटरिंग एवं द न्यू स्टैटिस्टिक्स लिख डाले। उसी साल उन्होंने पदार्थ विज्ञान को लेकर बीएससी ऑनर्स डिग्री पास किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने भारत सरकार द्वारा लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पीएचडी डिग्री करने के लिए स्कॉलरशिप मिला। अपने इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए उनको 1983 में इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नमस्कार दोस्तों, गेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मशहूर विज्ञानी सीवी रमन के भतीजे थे डॉक्टर चंद्रशेखर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के पढ़ाई खत्म करने के बाद जर्मनी के सम्मानित बॉन्स इंस्टीट्यूट में डॉक्टर चंद्रशेखर को दाखिला मिला, जो कि गोटिंजन में स्थित है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान एक महान आविष्कार किया जिसे हम चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। 11 जनवरी 1935 को उन्हें लंदन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में अपने खोज को सबके सामने प्रकाशित करने को कहा गया। बाद में उनके खोज को एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन ने सरासर नकार दिया था। हालांकि बाद में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। 30 साल बाद 1967 में दुनिया के कुछ देश हाइड्रोजन बम बनाने गए, तब डॉक्टर चंद्रशेखर के कैलकुलेशंस को सराहना मिला। करीब 1972 के आसपास चंद्रशेखर के ब्लैक होल वाले आविष्कार को माना गया। उनके चंद्रशेखर लिमिट थ्योरी के कारण बाद में सुपरनोवा एवं न्यूट्रॉन स्टार्स को पहचानने में मदद मिली। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए निमंत्रण मिला। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट परमाणु बम का निर्माण किया था। हालांकि सिक्योरिटी क्लियरेंस में देरी होने के कारण वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए। डॉक्टर चंद्रशेखर विश्व युद्ध के दौरान मैरीलैंड के बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में काम करने वाले पहले भारतीय थे। साल 1953 को उन्हें अमेरिका के नागरिकता मिली। अपने रिटायरमेंट के बाद शिकागो शहर में 85 साल के उम्र में उनका देहांत हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।